हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल टिप्स चैनल को। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो इंटरकूलर के बारे में। तो आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो रहेंगे बेसिकली तीन, कि टर्बो इंटरकूलर काम कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये किस सिस्टम पे काम करता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये किस सिस्टम पे काम करता है। तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफ़र सिस्टम पे ही काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये जो हमारा टर्बो इंटरकूलर है वो हीट ट्रांसफ़र सिस्टम पे काम करता है, ये जान लीजिए। दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्शन इसका सेम एज रेडिएटर, जैसे हमारा रेडिएटर होता है सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन होता है, वैसा ही डिज़ाइन होता है और ये ऑलमोस्ट उसी तरह से ही काम करता है। तो आइए जानते हैं कि इन डेप्थ इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है उसके बारे में। तो होता क्या है कि टर्बो चार्जर से जो हॉट एयर आती है वो टर्बो इंटरकूलर में जाती है। टर्बो इंटरकूलर में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं और उनके ऊपर फिन्स लगे हुए होते हैं। तो जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं वहाँ से गर्म हवा जो होती है फ्लो होती है और जो ट्यूब्स से जो हवा की जो हमारी एयर है, गर्म एयर है, उसकी जो हीट है वो उन छोटे छोटे ट्यूब्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब एयर से जो हीट है वो ट्यूब में ट्रांसफ़र होती है, ट्यूब से उसी के बराबर में फिन्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि सेम रेडिएटर की ही तरह जैसे फिन्स होते हैं सेम टर्बो इंटरकूलर के भी फिन्स होते हैं। वहाँ पे हीट जाती है और जब वहाँ से हमारी व्हीकल चलता है तो जो हमारा व्हीकल चलता है तो जो हमारा कूलिंग फैन होता है जो कि रेडिएटर को भी कूलिंग करता है, ये उसी एयर से ये भी ठंडा हो जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो एयर का टेम्परेचर है, जो हम बाहर से एयर सक कर रहे थे जो फिर टर्बो इंटरकूलर में आ रही, वो टर्बो चार्जर में आती थी, टर्बो चार्जर में आने की वजह से जो एयर गर्म हो जाती थी वो टर्बो इंटरकूलर में आके ठंडी हो जाती है और कोल्ड एयर जो होती है हमारे सिलेंडर में जाती है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है, मतलब हीट ट्रांसफर सिस्टम पे सेम एज जैसे हमारा रेडिएटर काम करता है वैसे ही हमारा टर्बो इंटरकूलर भी काम करता है। कंस्ट्रक्शन भी इसका बिल्कुल सेम होता है और ये लगा हुआ भी बिल्कुल रेडिएटर के ठीक सामने होता है। हमारा सबसे पहले जो कूलिंग फैन होता है जिससे हमारा इंजन का कूलेंट ठंडा होता है, उसके जस्ट आगे रेडिएटर लगा होता है और रेडिएटर के जस्ट आगे टर्बो इंटरकूलर लगा होता है। तो बेसिकली ये एक रेडिएटर ही है, लेकिन रेडिएटर का काम जो होता है वो कूलेंट को ठंडा करना होता है, लेकिन इसका काम जो होता है कि टर्बो चार्जर से आने वाली जो एयर है उसको ठंडा करता है। बाकी कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और वर्किंग प्रिंसिपल सारे बिल्कुल सेम होते हैं, बस साइज का थोड़ा सा फर्क होता है, रेडिएटर से ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो ये बेसिकली वर्क हो गया हमारे टर्बो इंटरकूलर का। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है VVT यानी कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। ये बहुत ही